आज मैं तिब्बे नबी और जदीद साइंस इस मौजू पर सुखन आराई की जसारत करूंगी इस शेर के साथ के जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए। अहले इस्लाम ने हर दौर में तिब्बे नबी से इस्तेफादा किया है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि मुख्तलिफ इस्लाम के मुख्तलिफ अदवार में जो भी पेशकदमियाँ हुई और जो जदीद साइंसी तहकीकात हुई वो कुरान की तालीमात से मुतासिर और आईनादार है। इंसान जब ज़मीन पर आबाद किया गया तो उसे वहाँ पर रहने का सलीका सिखाने के लिए और उन सहूलतों से फ़ायदा उठाने के लिए हर तारीख़ के हर दौर में रसूल को पैदा किया गया है। ये रसूल लोगों को अच्छी बातें सिखाते और जीने का सलीका सिखाते। उन तरीक़ों में से एक तरीका है सेहतमंद रहना भी था। कुरान मजीद ने हिकमत के इल्म के बारे की अहमियत पर इरशाद फरमाया है कि हम जिसे कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता किया जो तुम्हें पहले से पता ना था और ये अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। बात तय है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है और इसकी सिफात में शिफा देने वाला और हिकमत वाला शामिल है। अगर अल्लाह ताला किसी को खुद ये इल्म उलूम सिखा दिए जाए अगर अल्लाह ताला किसी को ये इल्म खुद सिखाए तो उसके उलूम व फ़नून में किसी कदर की किसी भी कोई कमी या गलती का इम्कान ही नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सलाहियत पर इमाम मोहम्मद बिन इब्नुल कई गुजारने के जो उसूल मुरतब किए गए हैं उनमें से हर उसूल सेहत की तरफ गामज़े मुतअद्दी अमराज से महफूज रहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के जो आदाब हमें सिखाए हैं जैसे सुबह का नाश्ता जल्द करना, रात का खाना ज़रूर खाना और जल्द खाना और उसके बाद लाजमन चहलकदमी करना, ये ऐसे उसूल है जिस पर अमल पैरा होकर हम सेहत की तरफ गामजन हो सकते हैं। गुर्दों की बीमारियां आजकल के डॉक्टरों के लिए मुसीबत का बास बनी हुई है और इस ज़िमन में सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। हज़रत आयशा फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुर्दे की जान उसके पेल्विस में होती है, अगर इसमें सोजिश हो जाए तो ये बड़ी तकलीफ़ या अजियत का बास होती है, इसका इलाज उबले पानी और शहद से किया जाए। हज़रत आयशा ये भी फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और आज WHO ने भी शहद को रोज़मर्रा की खुराक बनाने की हिदायत की है। यूरोप के एक मशहूर डॉक्टर ऑर्नल लिखते अपनी किताब में लिखते हैं कि शहद में तो तमाम आज़ा की तकवीत का बास है लेकिन कल्ब यानी दिल पर इसके असरात बहुत ही सेहत बख्श होते हैं जिसके ज़रिए हम दिल के आरज़े को दूर कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजीर के फ़वाद बताए, इसमें दो इरशादात अहम फरमाए कि यह अंजीर जो है वो बवासीर यानी पाइल्स को ख़त्म करती है और दूसरा ये गठिया यानी निकरस और जोड़ों के दर्द को दूर करती है। मजीद तहकीकात और आज की जदीद तहकीकात ये साबित कर चुकी है कि अगर किसी शख्स को लंबे अरसे तक अंजीर खिलाई जाए तो उसके बवासीर मस से खुश्क हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ बहुत पसंद थी, उनके ज़ात से जौ का वास्ता बतौर रोटी बतौर दलिया और बतौर सत्तू था। जौ के फवाइद की रोशनी में ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर के मरीजों को सुबह नाश्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे के मुताबिक जब जौ का नाश्ता करवाया गया तो उनके गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर 2 महीने में ख़त्म हो गए। लेकिन आज के जदीद इलाज की वजह से अगर जदीद इलाज कराया जाए गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर का तो 2 साल से कम का अर्सा नहीं लगता उनको ख़त्म होने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के पहले तबीब थे जिन्होंने दिल के आरज़े की तशखीस की और ना सिर्फ उसका इलाज किया बल्कि मौसर इलाज किया और दिल के आरज़े का अभी जदीद दौर में कोई मौसर इलाज मौजूद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के वो उसूल मुरतब किए जिनको आज जदीद साइंस एक एक कर तस्लीम कर रही है। तिब्बे नबी में ज़िंदगी के हर पहलू को मद्देनजर रखकर जो उसूल मुतय्यन किए गए वो सारे के सारे सेहत की तरफ गामजन हैं। इस तरह हमारे पास एक ऐसा खजाना सेहत है जिस पर अमल पैरा होकर हम अपनी सेहत को यकीनी बना सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा मॉडल खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन और हाजिक हकीम भी थे। अगर हम तिब्बे नबी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर ले तो मर्ज़ से शिफा यकीनी है। मैं अपनी ख्वाहिश को इस शेर के साथ जाहिर करूँगी कि जो नबी को मेरे कबूल हो वही काश मेरे उसूल हो, जो नबी को मेरे कबूल हो वही काश मेरे उसूल हो, वही सब्र हो वही गुफ्तगू वही आजजी वही सादगी। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।